यदि आपके पास समय कम है और तैयारी बहुत ज्यादा करना है तो इतने कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें? नंबर वन, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। आपके पास प्रत्येक चीज का अध्ययन करने के लिए पहले ही कम समय बचा है, इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपने समय का कुशलता पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको निम्न कार्य करने होंगे। पिछले वर्षों के कम से कम 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। इससे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का पता चल जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसका भी पता चल जाएगा। नंबर टू, प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करें। अधिकतर लोग छोटे छोटे क्वेश्चन की तैयारी पहले करते हैं और बड़े बड़े को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आपको बड़े प्रश्नों और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तैयारी पहले करना चाहिए। इससे ज्यादा नंबर लाने में हेल्प होगी। लेकिन याद रखें कि कोई भी ऐसा नया चैप्टर ना पढ़े जिसे आपने साल भर में एक बार भी ना पढ़ा हो और आपको समझ में ना आया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने टाइम टेबल या स्टडी प्लान में बार बार बदलाव ना करें। बस प्राथमिकता सूची के अनुसार एक स्टडी प्लान निर्धारित करें और बेहतर रिजल्ट के लिए उसका पालन करें। पढ़ते समय अंक बनाए। जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो उस विषय को पढ़े जो आपको सीखने की जरूरत है और फिर आसानी से सीखने के लिए सूचक वाक्य बनाए। इसे सरल बनाने के लिए आप उत्तर और संबंधित विषयों को दर्शाने के लिए बुलेट, नंबरिंग, विशेष प्रतीकों, साइन या माइंड मैपिंग का उपयोग या फिर डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। नंबर फोर, रिवीजन है सबसे ज्यादा जरूरी काम। एक बार अपना सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन से आपको अपनी कमियों का पता चलेगा जिससे आप आगे की रणनीति तय कर पाएंगे। यह आपको पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। नंबर फाइव, जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करें। आमतौर पर ऐसा होता है कि छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान अपना मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट साथ में ले जाते हैं, जिससे उनका ध्यान लगातार बढ़ता रहता है। पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसा उपकरण, ऐसी मशीन या मोबाइल को नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी एकाग्रता प्रभावित होती है और आप अपना समय बर्बाद करते हैं। आपको केवल वही चीजें लेनी चाहिए जो आपको वास्तव में पढ़ने के लिए मदद करता है, जैसे नोटबुक, सिलेबस, प्रश्न पत्र, इम्पोर्टेंट बुक कॉपी। साथ ही अपनी जरूरत की चीजें एक जगह पर रखें ताकि आपको उठने की या फिर अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़ाई के दौरान लंबी ब्रेक ना ले। आपको हर 45 मिनट में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। साथ ही 10 मिनट के ब्रेक को 5+5 में विभाजित करें, क्योंकि इससे आप विचलित नहीं होंगे। लंबा ब्रेक लेने से आपका मन पढ़ाई से हट सकता है, इसलिए लंबा ब्रेक ना ले। नंबर 7, अच्छी नींद ले और अच्छा खाए। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ाई के दौरान खुद को चौकस रखने के लिए आपको स्वस्थ खाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इसके लिए आपको 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। फल, सब्जी, फलों का रस स्वस्थ खाएं। कुछ शारीरिक व्यायाम और ध्यान करने के लिए समय निकालें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक फिटनेस में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कृपया जंक फूड न खाएं। चीनी से बने उत्पादों का, कैफीन का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये चीजें आपके शरीर को अधिक थका देती है और आप पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जो त्याग करता है वही जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यदि आप सच में अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं तो आपको कोई भी बाधा और कोई भी डिस्ट्रैक्शन रोक नहीं सकता। आपको पढ़ना ही होगा, चाहे समय कम हो या फिर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो। हमेशा याद रखें कि कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। जितना है तो सीखना ही पड़ेगा और सीखने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम एग्जाम में हार मान जाओगे तो जिंदगी भर हारते ही रहोगे, लेकिन तुम्हें जीतना है, क्योंकि तुम्हारा जन्म सिर्फ जीतने के लिए ही हुआ है। सफल होना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय।